सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन ट्रैवलिंग एट 10.8 किलोमीटर पर आर इन अ टॉपलेस कार ऑन अ रेनी डे. तो मैं मान लेता हूँ एक मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है 10.8 किलोमीटर पर आर. ही होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट एन एंगल 37 विद द वर्टिकल. और वो 37 डिग्री वर्टिकल से अपने अम्ब्रेला को होल्ड करता है ताकि वो वेट ना हो. इसका मतलब ये है कि चलते हुए मैन को रेन ऐसे आती हुई दिख रही है, यानी कि वो एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी नहीं है, वो रेन की वेलोसिटी चलते हुए मैन के रेस्पेक्ट में है. सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विच इज़ मूविंग, राइट. तो यहाँ से 37 डिग्री से उसको लग रहा है कि रेन आ रही है चलते हुए मैन को, ठीक है. वर्टिकल ही डज नॉट गेट वेट इफ़ द इफ़ वी आर इज़ वर्टिकली डाउन. अब क्वेश्चन ने यह भी बता दिया कि एक्चुअल में रेन जो है वो वर्टिकली डाउन है, तो वी आर की वैल्यू बताओ. तो अपन ने क्या करा, जो भी सिचुएशन अपन को गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन ने डायग्राम बना लिया. अब ये वाला वैक्टर अपने पास वी एम वैक्टर है, तो अपन वी एम वैक्टर को यहाँ लिख लेते हैं. ये अपना वी एम वैक्टर हो जाएगा, ठीक है. अब अपन को पता है वी एम की वैल्यू है 10.8. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, इसमें ये वाला एंगल 37 डिग्री है, हमको वी आर चाहिए. सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे यहाँ पे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो टेन 37 क्या होगा, 3/4 है ना, ये टेन 37 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 भी कह सकते हैं हम इसको. टेन 37 की वैल्यू 3/4 भी होती है. परपेंडिकुलर है अपने पास 10.8 और बेस है अपने पास वी आर. अब इसको वी आर के लिए सॉल्व कर सकते हैं. वी आर कितना हो जाएगा, 10.8 इंटू 4/3. इसको सॉल्व करेंगे सो 14.4 यूनिट्स के एम पी एच के अप्रॉक्स अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.